राजस्थान के अंदर तीन निगमों को दो में बांटा गया, जयपुर, कोटा और जोधपुर। सबसे पहले हम बात करें जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में नगर निगम को दो में बांटा गया। एक का नाम रखा गया ग्रेटर नगर निगम और एक का हेरिटेज नगर निगम। हेरिटेज नगर निगम में 100 पार्षद है, तो वहीं ग्रेटर के अंदर 150 पार्षद हैं। पहले सिर्फ 91 पार्षद हुआ करते थे निगम के अंदर, अब 100 प्लस 150 250 पार्षद। लेकिन स्थिति वैसी की वैसी। वहीं अगर बात करें राजस्व का, तो इन निगम के आने से तीनों जगह में 1500 करोड़ का खर्चा बढ़ गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर निगम में हो क्या रहा है, क्योंकि आमजन की बात करें तो आमजन को अभी भी वही परेशानी हो रही है। हाल ही में बारिश का मौसम था, लगातार तेज़ बारिश हुई, रोडें ख़राब हुई, ना लाइटें हैं ना कुछ व्यवस्था है। ऐसे में क्या निगम का कर्तव्य नहीं बनता कि वह सारी चीज़ें सही सुचारू रूप से रखे? जिस तरीके से निगमों में स्थिति बनी हुई है, उससे कहीं ना कहीं आमजन काफ़ी परेशान है। कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने साफ कहा कि निगम दो बनाए ही क्यों, आखिर ज़रूरत क्या थी। वहीं बात करें कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण निगम में भी यही स्थिति बनी हुई है। आमजन परेशान है कि आखिर हम करें तो करें क्या। जिस तरीके से जो हालात बन रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि राजनीति कहीं ना कहीं हावी होती जा रही है। राजनीति ने एक अपना अलग रूप ले लिया है। ऐसे में अगर निगम अपना काम सही तरीके से नहीं करेगा तो आम जन को परेशानी होगी ही होगी। एक सज्जन ने यह भी कहा कि हम पैसा भी दे रहे हैं लेकिन हमें मिल कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ ठेंगा मिल रहा है। अगर निगम अपने इस काम को तरीके से नहीं कर सकता तो वह पैसे लेना बंद कर दे।